हेलो गाइस, तो कैसे हो। तो बहुत दिन बाद मैं आ रहा हूँ ये लॉन्ग वीडियो लेकर। इससे पहले मैंने लॉन्ग वीडियो डाला था, पर वो लॉन्ग वीडियो नहीं था, बस एक मिनट का वीडियो था। तो आज मैं अपने ये वाले बाइक का पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। तो आपको बताऊँगा इसमें कितना खर्चा पड़ा, कितना दिन लगा मुझे बनाने में, और क्या क्या लगाया मैंने इसमें, उसका प्राइस कितना हो सकता है, नहीं हो सकता, जो मैंने अमेजोन से मंगाया था वो मैं आपको एक एक करके बताऊँगा, दिखाऊँगा, और साइड में आपको स्क्रीनशॉट मिलता रहेगा वो सामान का जिसका जितना प्राइस है, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप जाके ले सकते हो। तो पहले हम शुरू करते हैं इस हमारे मोनोशॉकर से। तो हमने ये मोनोशॉकर लगवाया था पल्सर में, आपको पता होगा मोनोशॉकर होता नहीं है ये 150 में। ये शॉकर हमने लगवाया था, ये शॉकर हमको करीब करीब पड़ गया था, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले आपको सामान दिखाओ, तो मैंने क्या क्या सामान लगवाया है इसमें। जैसे कि आप देख रहे हो ये इंडिकेटर मिरर है इसमें, मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ा पास आ जाऊँ। ये देखो, इसके एक चीज़ खूबी और है जो इसके, ये जब मैं इंडिकेटर यहाँ का जलाऊंगा तो ये सामने का भी इंडिकेटर, यहाँ से ड्राइविंग करने वाले को पता चल जाएगा कि ये साइड का इंडिकेटर चल रहा है या नहीं चल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे हमने ये फॉग लाइट है, इसमें साइड में वो DRL भी लगा हुआ है। और आप इधर आ जाइए थोड़ा, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये फुटरेस जो है, ये फुटरेस पल्सर का नहीं, क्योंकि पल्सर का फुटेज यहाँ पे होता है। ये देखो आप गियर का वो सिस्टम आप देख सकते हो। तो ये हमने पूरा अपाचे का सेट लगाया, इसको थोड़ा सा पीछे करने के लिए, वो स्पोर्ट्स बाइक का फील आने के लिए हमने इसको थोड़ा सा पीछे करा है। और ये जो आप पीछे का जो फुटेज देख रहे हो, स्ट्रिप होल्डर, ये भी हमने अपाचे का ही लगाया है। इसमें एक चीज़ का आपको कमी लग रहा होगा, यहाँ पे जो एक स्विंगम होगा चौड़ा वाला, वो अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, वो हमने बनाया था पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो नेक्स्ट टाइम हम वो ट्राई करेंगे करने का। तो आप पीछे आ जाओ, पीछे देखो, पीछे का इंडिकेटर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इंडिकेटर, बताओ कैसा लग रहा है, इंडिकेटर एकदम एक नंबर है। तो अब मैं आपको हैंडल दिखाने वाला हूँ। तो हैंडल जो होता है पल्सर का, वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, थोड़ा नीचे रखने के लिए हमने ये यूनिवर्सल हैंडल मंगवाया था, हमने अमेजोन से मंगवाया था, जो लुक भी सही आ रहा है। और ये चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये जो आपका सामने का मडगट देख रहे हो, ये चीज़ पल्सर में होता नहीं है। तो आप सोच रहे हो कि मैंने मंगवाया एक्स्ट्रा, मैंने मंगवाया नहीं है, ये पल्सर का ही है। ये मैंने जो साइड का जो वो फेयरिंग मैंने काटा था, उसी को काट के मैंने यहाँ पर बनवाया है, और उसमें कुछ निंजा टेक्निक लगा के मैंने वो बनाया है, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे साइलेंसर दिख नहीं रहा है गाड़ी में, तो ऐसी कोई बात नहीं, साइलेंसर हमने लगाया। तो आज आपको मैं दिखाता हूँ कि जो KTM R8 में वो नीचे साइड में साइलेंसर लगा हुआ, तो ये देखिए मेरा साइलेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, कि वो KTM R8 वाला फील आना चाहिए। और बहुत पहले से मैं सोच रहा था KTM R8 के बारे में, मुझे बनाना है, बहुत पसंद था मुझे R8, क्योंकि KTM का टॉप मॉडल है। तो अभी फिलहाल बंद है, वो अलग बात है। तो मैंने इस वो लुक आने के लिए मैंने वो नीचे दिखाया। तो आप लोग कमेंट जल्दी करो कि बाइक का लुक कैसे आ रहा है, मैं आपको इसका सिनेमेटिक शॉट भी दिखाने वाला हूँ। अब मैं आपको आता हूँ पूरे गाड़ी के बारे में, मैं आपको बता दूँ कि ये गाड़ी मैंने पहले कार्डबोर्ड में मैं इसका डिज़ाइन बनवाया था, उसके बाद उसके ऊपर फाइबर ग्लास का काम करा मैंने, जो फाइबर ग्लास का ये पीस देख ही सकते हो, बहुत दर्द हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ये मैंने उसके बाद बनवाया, उसके बाद हमने इस पर कलर करवाया, तो पर कलर हमारे मन मुताबिक कलर हमें जचा नहीं, तो हमने इसके ऊपर पूरा रैप करवाया रेडियम का। तो आप समझ ही सकते हो दूर से वो चमकीलापन आ रहा होगा गाड़ी में। और हाँ, और ये जो आप देख रहे हो, ये भी फाइबर का मैंने अपने हाथ से बनाया हुआ है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात में, मुद्दा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा सामान कितने का पड़ा है, कितना नहीं पड़ा, और टोटल खर्चा कितना पड़ा है, मैं आपको वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो पहले एक एक करके आपको सामान का रेट बताता हूँ, साइड में आपको स्क्रीन शॉट भी मिलता रहेगा कौन सा सामान है, कितना रुपया नहीं है। अभी वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं कुछ ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ, तो थोड़ा स्लो बोलता हूँ, ठीक है। तो आइए एक एक से शुरू करते हैं। ये जो आप मिरर इंडिकेटर देख रहे हैं, ये पड़ा था 1600 रुपये का मेरा, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, वहाँ से मंगवा सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी ले सकते हो। ये पड़ा था 1600 रुपये का। ये मेरा साइलेंसर आया था, वो भी 1700-1800 के आसपास समथिंग कुछ ऐसा पड़ा था। और ये इंडिकेटर देख रहे हो, ये इंडिकेटर मैंने लोकली मंगवाया था, तो आप ऑनलाइन भी मिल सकता है, शायद अगर मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो ये लोकल में 250 रुपये का मिल जाता है। और जो बैकलाइट मैंने लगाया, बैकलाइट मैंने शायद आपको दिखाई नहीं, आ जाइए दिखा देता हूँ मैं आपको बैकलाइट। ये देखिए यहाँ पे बैकलाइट लगा हुआ है, ये बैकलाइट भी 250 रुपये का, ज़्यादा महंगा है नहीं। हैंडल मुझे पड़ा था 1900 रुपये का, अब बस जोड़ते रहो, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कितना रुपये पड़ा नहीं पड़ा। ये स्ट्रिप होल्डर जो अपाचे का पूरा ओरिजिनल सेट लगा, तो ये मतलब चारों सेटों में मतलब लगभग 4500 के आसपास मुझे पड़ गया था, क्योंकि और भी थोड़ा इधर उधर कुछ सामान लगा के, निंजा टेक्निक लगा के मुझे करना पड़ा था। और ये शॉकर जो देख रहे हो, ये शॉकर ऐसे अगर आप चाहोगे शोरूम में लें तो लगभग 4000 रुपये का पड़ जाएगा, लेकिन मैंने कहीं दिल्ली से कहीं मंगवाया था, मेरे मामा के घर से मैंने मंगवाया था कुरियर में, तो मुझे वही 2500 रुपये के आसपास पड़ा था। तो टोटल खर्चा इतना ही है। अब मेन खर्चा जो है वो है हमारे फाइबर में, तो मेहनत पूछो मत, ये मेरा फर्स्ट टाइम का फाइबर का काम था,
तो फिर भी नहीं कोई बात नहीं, सही था। तो पहले हमने इसको कार्डबोर्ड का डिजाइन बनाया, उसके बाद हमने फाइबर का काम किया। इससे पहले हुआ था, जब पहली बार मैंने फाइबर का यूज़ किया था, बहुत सारे फाइबर मेरा वेस्ट हो चुका था, मतलब इसमें कुछ नॉलेज था नहीं मुझे। कोई बात नहीं, फिर आस्ते आस्ते हो गया और आगे भी आता रहेगा। तो इस गाड़ी को पूरा फुल मॉडिफिकेशन करने में, कलर करने में, वो करने में पूरा खर्चा लगभग लगभग 30,000 के आसपास आया था मुझे। 30,000 से थोड़ा ऊपर जा सके, लेकिन आप 30,000 मान के चलो, 30,000 का खर्चा आया था पूरा कलर वाला। और कलर का बाद में बता दो आपको, कलर करने में मेरा यहाँ पे ये वाले बाइक में पूरे के पूरे 11,000 रुपये लिए थे पूरे बाइक का कलर करवाने में। बस बाइक आपके सामने खड़ा है, देख ही सकते हो आप कैसा लग रहा है, लेकिन इसमें मेहनत हद से ज़्यादा लगा। मैं आपको बता नहीं सकता कितना ज़्यादा मेहनत लगा है। अब आपको वो कैसा लगता नहीं पता, लेकिन मैंने दिन रात एक कर दिया है इसके लिए। तो अगर आपको किसी को अगर मॉडिफिकेशन करवाना है, ये मॉडिफिकेशन अपने पल्सर में, पल्सर का आप कोई भी बाइक में ये मॉडिफिकेशन करवा सकते हो, आप स्प्लेंडर में करवा सकते हो, कोई भी बाइक हो आप ये अलग पर मॉडिफिकेशन करवा सकते हो। तो अगर आप मुझे मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। अगर कमेंट में अगर मैं आप रिप्लाई तो मैं सभी को करता हूं, आप सबको पता होगा। तो मैंने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सअप का नंबर भी दे रखा है, वहाँ पे जाओ मुझे व्हाट्सअप करो। तो आप मुझे व्हाट्सअप में तो कॉन्टैक्ट कर ही सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पे देखो साइड में आपको स्क्रीनशॉट आता रहा होगा, या फिर नीचे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और मेरा फेसबुक पेज भी इसी नाम से, मेरा फेसबुक पेज भी इसी नाम से, मेरा इंस्टाग्राम भी इसी नाम से, और अभी आप यूट्यूब में देख रहे हो ये भी इसी नाम से। तो तीनों जगह में एक ही नाम से आपको जहाँ पे भी सर्च करो मिल जाऊँगा मैं, आते जाते मिलते रहेंगे। और मैं सोचा हूँ इस बार एक बात मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपको भूल ही गया, मैं थोड़ा पास आता हूँ आपसे बात करने के लिए, कि ये बाइक जो है, ये बाइक में आप कुछ दिन ऐसे चलाने के बाद मैं इसका कुछ लुक में थोड़ा सा चेंज करने, थोड़ा नहीं बहुत हद तक कुछ चेंज करने वाला, इसका कलर भी मैं चेंज करने वाला हूँ। मैं सोचा हूँ ये ब्लैक कलर में बनाऊंगा, इस बार मैं ब्लैक एडिक्शन में बनाने वाला हूँ। इसका हेड थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, बहुत ऑडियंस ने भी, मेरे बहुत दोस्त ने बताया कि हेड कुछ सही नहीं लग रहा है, तो उनकी बात तो रखना पड़ेगा। तो मैं हेड को थोड़ा चेंज करूँगा और गाड़ी पूरा ब्लैक कलर का बनवाऊँगा, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत चेंज करूँगा, वो आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग बोलते होंगे कि यार कंटिन्यू बोलते हैं, कंटिन्यू वीडियो बनाते हो नहीं है। कोई बात नहीं, बनाऊँगा यार, मेरी भी कुछ मजबूरी है, मुझे कोई शौक नहीं है वीडियो नहीं बनाने का, मुझे वीडियो बनाने का बहुत शौक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे लाइक करो और शेयर जरूर करो। अगर आपके दोस्त में कोई भी अगर ऐसा कोई शौक है अगर बाइक मॉडिफिकेशन करवाने का, तो मेरा नंबर दीजिए उसको, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी बताइए उसे। तो चलिए सिनेमैटिक शॉट दिखाते हैं आपको, ठीक है, चलिए। I